भारत देश के परंपरा, संस्कृति और त्यौहार लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं और उन्हें त्योहारों में से एक है रंगों का महोत्सव होली। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली के त्यौहार से एक महीने पहले ही होली के रसिक प्रेमी चंग पर धमाल गीत शुरू कर देते हैं, जहाँ लोग शाम को अपने घरों से निकल कर टोलियों में होली के पारंपरिक धमाल गाते हैं। लेकिन ये परंपराएं और संस्कृति आजकल शहरों में लुप्त हो रही है, लेकिन संस्कृति से लबरेज राजस्थान विश्वविद्यालय में ये मौका एक बार फिर से देखने को मिला, जहां तालीम लेने के लिए गांव से आए ये युवा इस संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो सूरज ढलते ही चंग मंजीरे लेकर टोलियों के साथ यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर होली के रंग जमाने पहुंच जाते हैं। हमें भी इस चीज की कमी चलती थी, गांव में कैसे खा को पूरे रोमांच के साथ मतलब पूरे महीने इसका आनंद लिया जाता है। तो क्यों ना हम पूरे राजस्थान के विद्यार्थियाँ रहते हैं, पूरी राजस्थान की संस्कृति का समायोजित किया जा सकता है। संस्कृति में कुछ ऐसे भी त्यौहार होते हैं जो समान सद्भावना और एकता को दर्शाते हैं। ऐसे एक त्यौहार होता है होली। हालांकि बदलते परिवेश और पाश्चात्य संस्कृति और समय के अभाव के चलते यह जो त्यौहार है, जो धमाल त्यौहार होता है इस होली के दौरान, वो कहीं ना कहीं लुप्त नजर आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जो गांव से आकर शहरों में पढ़ाई करने के लिए दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय में आए हैं, जो इस संस्कृति को बचाने के लिए एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं। जिस तरह से पूरे शहर जहाँ पे जो पूरे धमाल जो पुरानी जो संस्कृति थी वो लुप्त हो रही है, उसको बचाने का ये संदेश दे रहे हैं। जिस तरह से रोज शाम को ऐसे ही ये जो युवा है वो एकत्र होते हैं और इस संस्कृति के साथ समाज और संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है, जहाँ फिर हम सब मिलजोल से यहाँ पर धमाल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान है, उसी पहचान को यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह शहर में समय का अभाव होते हुए यह संस्कृति लुप्त हो जा रही है, उसको यहाँ पे आजीवन आप बचाने का काम कर रहे हो, किस तरह देखा है ये? देखिए, ये कार्यक्रम एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी आम छात्रों ने मिलकर ये एक मुहिम छेड़ी है। विश्वविद्यालय में पहली बार इस प्रकार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। मैं इसके लिए सभी विद्यार्थियों और मेरे साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है, ये संस्कृति को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिस तरह युवाओं का भी कहना है कि संस्कृति को बचाने के लिए यह एक मुहिम इनके द्वारा शुरू की गई है, क्योंकि बदलते परिवेश के दौरान यह संस्कृति शहरों में विलुप्त होती जा रही है, उसको यह धमाल प्रोग्राम के जरिए बचाने का काम कर रहे हैं। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ में लोकेश ओला A1 TV।